Namaste, a very good evening to all of you. A warm welcome to my Pice Educare Private Limited. It's an educational consultancy. I'm Neetu Banerjee here, an academic counselor. On behalf of Pice Educare, today I'm going to introduce my managing director, Mr. Bastrudeep Sheikh, and I request him to kindly say a few words about our consultancy and introduce Pice Educare to all of you. So please say some few words. Thank you, ma'am. I am Bashiruddin Sheikh. I am founder and managing director in Pice Educare Private Limited. मैं आज आप सभी के एक इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो अभी हमारा जो एकेडमिक काउंसलर बात किया है, उनका नाम है नीतू बनर्जी मैम। और एक काउंसलर है हमारे साथ मौजूद है रेयंका पाल मैम। और आज जो स्पेशल जो चीफ गेस्ट है, जो हमारा एक पेरेंट्स है, नौशाद अली फ्रॉम मालदा। और हमारा एक स्टूडेंट है जो साइन परवेज का फादर है। और ये मेरा वुड बी डॉक्टर जो साइन परवेज है, उसको मैंने 18-19 सेशन को बांग्लादेश में एमएच समुद्रता मेडिकल कॉलेज को एडमिशन कराया है। और हम आज उसके साथ कुछ शेयर करने जा रहा है, बांग्लादेश में क्लाइमेट क्या है, एडुकेशन सिस्टम क्या है, क्यों अब्रॉड में सबसे अच्छा कंट्री है बांग्लादेश, क्यों बच्चा लोग, या सबसे बड़ी बात जो होता है, जो फीमेल या लड़की लोग क्यों अब्रॉड जाएगा, उसके लिए सेफ है कि नहीं, उसका एडुकेशन पैटर्न कैसा है, ये सब हम लोग छोटे छोटे जानकारी बहुत अच्छा जान पाएंगे हमारा जो डियर स्टूडेंट परवेज साइन परवेज से हम लोग कुछ सुनेंगे। So now I'm going to ask a few questions to our student, okay? जो कि हिंदी में भी होगा and in English also, so that you can have a clarify, you can have a clear concept why we should take admission for the Bangladesh. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे parents हैं, बहुत सारे ऐसे candidates and students हैं जिनको बहुत सारे doubt है कि क्या वो safe है, especially for the daughters who are having the daughters, जिनकी बेटियाँ हैं, कि क्या वो safe है Bangladesh में। तो मैं आपका डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक हमारे कैंडिडेट से, जो कि शी इज अ फीमेल एंड शी इज स्टडिंग इन बांग्लादेश। तो प्लीज वेलकम साहिन परवेज, ओके, वेलकम टू आवर पाइस एजुकेयर एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू ओवर हियर। तो साहिन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स और कैंडिडेट्स को जो कि एडमिशन तो लेना चाहते हैं बांग्लादेश में, बट वो बहुत कन्फ्यूज है कि क्या मैं वहाँ, मेरी बेटी क्या वहाँ पे सेफ, स्पेशली फॉर द डॉटर्स। तो जस्ट आप प्लीज उनका कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो आई जस्ट वांट यू टू क्लियर देयर डाउट्स। ओके, सो साहिन, मे आई नो आप कौन से कॉलेज में बांग्लादेश में पढ़ते हो? आई एम इन एमएच समुरिता मेडिकल कॉलेज। ओके, कौन से ईयर में हो आप वहां पे? आई एम इन थर्ड ईयर नाउ। थर्ड ईयर, ओके। और कौन सा बैच है आपका? एमएच 9। ओके, तो 18-19 बैच। ओके, सो आप क्या मुझे बता सकते हो, एज अ गर्ल हाउ यू आर फीलिंग ओवर देयर? आपको कैसा लगता है बीइंग अ गर्ल, अपने पेरेंट्स से इतना दूर जाके पढ़ना, और मींस इंडिया से एक अलग कंट्री में जाके अपना लैंग्वेज का एजुकेशन करना? आप क्या अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कर सकते हो? इट्स वेरी सैड कि हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, लेकिन वहाँ का मतलब मौसम बहुत अच्छा है, क्लाइमेट एंड फ्रेंड्स, दे आर लाइक इंडियन। वहाँ का सब कुछ इंडियन जैसा ही है, और गार्ड रहता है जो मतलब गर्ल्स की सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया जाता है। कोई अगर बाहर जाए, अंदर आए, दे नोटिस एवरीथिंग इन द रजिस्टर, एंड दे आर सो फ्रैंक, लाइक इफ यू आर सिक और इफ यू आर हंग्री, नॉट ईटिंग और समथिंग लाइक दैट, दे हेल्प यू इन एवरी केस। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, जनरली द पेरेंट्स आंसर और दे क्वेरी कि मींस do they get to friendly environment, means hindi spoken ke matter mein, at least hindi is our national language, to kya wahan pe aisa hai ki wahan pe sirf bengali hi bolna padta hai, ya means their mother tongue, wahan pe aisa kuch problem aapne face kiya hai ki nahi, main ek alag country mein hu jahan pe hindi nahi aata kisi ko, ya kisi ko bengali nahi aata, ya english se related kuch bhi aisa aapko laga language problem aapne face kiya hai? It's nothing like that, they can speak in hindi also, in fact they see hindi serials. Oh, okay, they can talk in Hindi. Okay. Yeah. Okay, and one more question. Weather वहाँ पे कैसा है? Means any changes? थोड़ा बहुत तो definitely होगा, it will be a change. तो आपको ऐसा weather कैसा लगता है वहाँ पे? Climate situation? Yes, so normal. Like Kolkata. Okay, comfortable. Comfortable. अच्छा. And few of our candidates or the parents even asked when they called to our consultancy, they have few queries regarding food.
तो प्लीज साहिन आप बता पाएंगे कि वहाँ पे क्या जो वेज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेजिटेरियन वालों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव लॉट ऑफ क्वेरीज कि क्या वहाँ पे अगर मेरा बच्चा हम लोग को प्योर वेजिटेरियन है तो ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद उसको प्रॉब्लम हो. तो प्रवीण आप क्या मुझे बता सकते हैं वहाँ पे क्या वेजिटेरियन वालों को प्रॉब्लम होता है तो कि वेज फूड मिलता है? हम लोगों ने डायरेक्टली अपने कैंडिडेट जो की बांग्लादेश में स्टडी कर, शी इज स्टडिंग इन बांग्लादेश, ओके, एंड शी इज वेरी हैप्पी फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बांग्लादेश MBBS मेडिकल कॉलेज. और जो भी आपका क्वेरीज था रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स, रिगार्डिंग द फूड हैबिट्स, रिगार्डिंग द क्लाइमेट, रिगार्डिंग द लैंग्वेज, आई थिंक शी हैज क्लियर्ड इट आउट. सो वी आर हियर फॉर ऑल योर डाउट्स. जो भी आपको क्वेश्चन हो काइंडली आप हम लोगों से पूछिए. एटलीस्ट यू विल कॉल अस एंड माय कलीग प्रियंका विल आल्सो से समथिंग. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग अबाउट द पेरेंट्स आर एनी टाइम दे आर आस्किंग अबाउट दिस. आपको कभी ऐसा लगा क्लास करके वहाँ पे मतलब वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है जो उसमें आपको पढ़ाई करके जैसे FMG एग्जाम देना पड़ता है तो अभी तक थर्ड ईयर तक आपको वहाँ का सिस्टम कैसा लगा मतलब प्रोसीड्यूर ऑफ स्टडी एंड द क्लासेस इसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक आपके पास है? द क्लासेस आर टू गुड, टीचर्स आर सो फ्रैंक एंड एजुकेशन सिस्टम इज सो गुड. लाइक वहाँ पे एग्जाम होता है, वहाँ का एग्जाम मतलब ऐसे पैटर्न में होता है कि फुल ईयर आप सिर्फ एग्जाम ही देते रहो एंड means वो final exam बहुत help करता. You have to clear one exam to get chance in another. Okay. This is compulsory. So and this is a very good process and just like India. Okay. Then what they do if you have any problem regarding your study? Yeah. They can help. Also. Yeah, they help. In fact, they contact in phone teachers. Okay. They message in WhatsApp and all. They give the numerous lectures, online education and everything. Okay, do you ever feel that अगर वहाँ पे ना करके दूसरी किसी कंट्री में करते तो किसी कुछ कंपैरिजन मतलब अच्छा लगता है या फिर लगता है? I feel very happy that I'm in Bangladesh and that is the best place I think. Yeah. According to you, that is the best place for MBBS. Okay, so I just want Sahin to kindly say few lines about your experience to directly to our candidates who are waiting for you. Just अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि कुछ लड़कियाँ स्पेशली जो ऊपर डर के हैं जस्ट बिकॉज की जब कोई नहीं आना कोई कंट्री तो मैं चाहती थी तो जस्ट आप एक बार मुझे बताओ कि नो नीड टू वरी बिकॉज आप बोलोगे तो शायद इनका गुड इम्पैक्ट होता है. नथिंग टू वरी, वी आर कम्प्लीटली सेफ. जैसा कि हम अपने घर में सेफ रहते हैं, इंडिया के कॉलेज में सेफ रहते हैं, सेम सेफ इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं. प्लीज ऑल आई वॉन्टेड टू से इज दैट you're very you will feel very comfortable in Bangladesh. Its environment is just like India and you will be the most luckiest person if you get admission in Bangladesh. And if you don't believe, you get admission there and then see it. Okay, and the last question from myself is just tell something or tell us something about what is your experience regarding the admission from Pais Educator. Yeah, Pais Educator helped me a lot in achieving my dreams. I and my parents always thought about becoming a doctor. They wanted me to be a doctor. And about NEET, what should I say, that there are so less seat, so that is really a problem. But Pais Educator helped me to get a chance in Bangladesh and I'm really happy for it. Thank you so much. Consultancy, please support teacher. What kind of support you are expecting from a consultancy, or what kind of support you have already been from consultancy? Like, If I'm facing any problem in Bangladesh, I'm contacting here. They are helping me in every situation. That's all. Okay. And with Praveen, there is sir also her father. So I would like to share his experience to our Pais Educare Private Limited, which is an educational consultancy. So sir, क्या आप हमें please guide कर सकते हैं actually हमारे candidates को because they are having doubt to choose the right consultancy. And we help them out in all the process. So हम just चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा अगर guide कर दें कि how Pais Educare Private Limited is helping throughout the admission. उसके बाद आपके daughter का till the session of the MBBS जो 5 साल का course है, जो भी MBBS का duration है, उसमें how we are helping you out. If you can guide to our candidates, so please say something about Pais Educare. हाँ, जो बच्ची को दिया है, हमारा देश में, happy हूँ. और इसके लिए जो Pais Educare है,
मुझे बहुत हेल्प किया है, नहीं तो मेरा लड़की MBBS हो सकता है, उसका नसीब नहीं होना था। तो अभी फिलहाल जब भी मैं उसको पूछता हूँ, टेलीफोन करता हूँ, बहुत अच्छा से जवाब देता है, हंसी खुशी से पढ़ाई करवा भी पूछता हूँ, तो बहुत हैप्पी है। घर का जो ये है स्टडी है MBBS के लिए, टॉप तो है, अगर वो बोलता है पापा मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई बस, हर दूसरा कुछ नहीं है, खाने के बारे में पूछता हूँ, उसके बारे में भी अच्छा ही बोलता है, कोई पापा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी खुश रहते हैं। इतना मदद किया है, अच्छा से गाइड किया है इसके लिए। So again we are here, as you have seen, you met with our director sir, you met with my colleague Priyanka and my student and her parents, that how her experience in Bangladesh for studying MBBS in Bangladesh through our consultancy Pais Educare Private Limited. So we are here to help you out. So कोई भी query हो, कुछ भी problem हो, आप हमें phone करिए, we are having toll free number, we are having Facebook account, we are on the Instagram, LinkedIn, any YouTube we are here. So for any problem, for any queries, anytime you can give us a call, from Monday to Sunday, 24/7 we are available. Thank you so much, have a safe and safe life. Thank you. Thank you.